खबर शहडोल से है, जहां की व्यवहारी पुलिस ने अंधी हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतिका शादीशुदा थी और उसका पति काम के सिलसिले से बाहर रहता था और इसी बीच मदद करने के बहाने आरोपी सोनू और माया के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद मृतिका माया युवक पर हमेशा साथ रहने का दबाव बनाने लगी और इसी बात से तंग होकर युवक ने महिला की हत्या करने की योजना बना डाली। घटना के दिन आरोपी ने महिला को घुमाने के बहाने झरौसी रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे ले गया और मौका देखकर धारदार हथियार से महिला की गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। थाना व्यवहारी क्षेत्र में ग्राम झरौसी रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे एक महिला की लाश, अज्ञात महिला की लाश मिली थी। बाद में जब गांव वालों से उसकी शिनाख्त हुई तो वो ग्राम खड्डा की महिला माया पटेल, पति राजकुमार पटेल के रूप में शिनाख्त हुई और उसको गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचा के और उसकी हत्या की गई थी। हत्या के संबंध में टीआई व्यवहारी और एसडीओपी व्यवहारी द्वारा एक टीम्स के साथ बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया गया और कड़ियों को, विवेचनाओं को तकनीकी रूप से जोड़ते हुए संदेही सोनू पटेल, जिसके महिला के साथ संबंध थे, उसको हिरासत में लिया गया। महिला का मोबाइल और महिला के जो चांदी के गहने, बैग, वो सब बरामद हो चुके और आरोपी को गिरफ्तार करके और आज अभी न्यायालय पेश किया गया। जिस महिला से संबंध, उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने किया। हाँ, महिला राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।